नमस्कार, मैं हूँ श्रीनिवास सिरमल्ले, आप देख रहे हैं टीएस टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं शहर के कुछ। नागपुर से आए हुए अतिथि आचार्य संजय कटकमवार का अखिल पद्मशाली समाज भिवंडी के पदाधिकारियों के शुभ हाथों से सत्कार। बता दें कि नागपुर के आचार्य संजय कटकमवार पिछले कई वर्षों से समाज के साथ साथ अन्य कई संस्थाओं से जुड़कर शहर जिला के साथ अन्य राज्यों में जाकर भी लोगों के हित के लिए कार्य करते आ रहे, जिनका आज भिवंडी में अखिल पद्मशाली समाज में आने से समाज के पदाधिकारियों द्वारा आचार्य संजय कटकमवार और अन्ना और रमेश चौहान का सत्कार किया गया। इस अवसर पर अखिल पद्मशाली समाज अध्यक्ष पुट्टपति रामकृष्ण, सेक्रेटरी कल्याण किशन, खजींदार एल ए सागर, कार्याध्यक्ष राजू गाजेंगी, उपाध्यक्ष पंका मल्लेशम, न्यायदान कमिटी चेयरमैन एलिगेटी श्रीनिवास, कोडम लक्ष्मीनारायण, कुंडा विवेक, दंडे बलराम चन्ना के साथ कई समाज बांधव के उपस्थित थे। संपूर्ण सर्वांना बरोबर तुमचा जे मंत्र असेल ते त्यांना देऊ। सुद्धा नगर सेवक होते एकदम बेसिक, सर्व समाज इकडे एकत्र आहे। आमची आता एक दोन निवडणुका झाले, सर्व अनुपोज होतात। म्हणजे निवडणुका ज्या 3-5 वर्षांनी सर्व अनुपोज, 7 ब्रँच आहे, त्याच्यातला चेअरमॅन आणि ते बोलतात ना किंग मेकर, किंग मेकर म्हणजे कोण पण चेअरमॅन बसला यांचा आशीर्वाद शिवाय नाही असं आहे। आणि पूर्ण रिटायर्ड पूर्ण समाजाला टाइम देतो आणि न्यायदान कमिटीचा चेअरमॅन पण होता, चांगला कार्यक्रम त्यांनी राबवला। मला शासनाने सुद्धा नियुक्त केलं म्हणजे काहीतरी सत्कार माहिती त्यामुळेच केला असेल। काम भेटतो म्हणून प्रत्येक हाताला काम आणि पोटाला जेवण भिवंडीमध्ये आहे। प्रत्येक म्हणजे काम प्रामाणिक लोक आहेत आणि सर्व राज्यातले लोक आहेत। आज जसं आम्ही बोलतो पद्मशाली 2 लाख आहे, युपी बिहारचे पण तेवढेच असतील, अशी परिस्थिती आहे। 25 लाख लोकसंख्या असेल आणि कन्नड आहे, सर्व म्हणजे सर्व राज्यात एक पण असं राज्य भिवंडी देशातला दिसणार नाही त्याचा माणूस भिवंडीमध्ये राहणार। मिनी इंडिया सर्व राज्यातले सण इकडे साजरे होतात। अखिल पद्मशाली समाज भिवंडी इस कार्यालय में आप नागपुर से हमारे मिलने के लिए आप आया, खुशी की बात है और आपको आभार व्यक्त करता हूँ समाज की तरफ से। आप जो बोले बहुत अच्छा लगा, जो ईएस है जो कामगार लोगों के लिए हॉस्पिटल है, तो भिवंडी में हमारा कार्याध्यक्ष साहब ने बताया कि वह से पूरा कामगारी नगरीय है, तो ईएसआई का फ़ायदा भिवंडी में होना चाहिए और भिवंडी लोगों को ये फ़ायदा मिलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आपका जो भी उसका प्रोविजन और कॉरपोरेशन का जो भी जगह है, तो ये दोनों आपको हेल्प करेंगे। तो इसके लिए मैं आशा व्यक्त करता हूँ कि भिवंडी का भी आपका मार्फत से फायदा हो, ये आशा करता हूँ। और फिर एक बार आपको अखिल पद्मशाली समाज भिवंडी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नागपुर से यहाँ आने के पूर्व ही मैंने आपसे एक चर्चा की थी कि जैसे मैंने भिवंडी के बारे में सोचा था कि मुंबई में भिवंडी एक ऐसी जगह है जहाँ पर पद्मशाली समाज बहुत संख्य मात्रा में रहते हैं और यहाँ पर पावरलूम हाथमाग, क्योंकि जो हमारी पुरातन जो धरोहर है, हमारे पूर्वजों की जो धरोहर है जिसको भारत देश में किसी ने कायम रखा है, तो यहाँ भिवंडी शहर के हमारे पद्मशाली समाज ने ही उस धरोहर को कायम रखा है। इसलिए मेरी बहुत ही दिन से जिज्ञासा भी थी कि कोई तो भी, और दूसरी बात तो ये है कि जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप ने इनको आज जो चल रहा है उसमें आप लोगों के कार्यक्रम भी जो मुझे दिखाई देते रहे, इसमें मैं देखता भी रहा, तो मुझे ऐसे लगा कि सही में अपन लोगों ने वहां से संपर्क बनाना भी चाहिए। क्योंकि जब भी हम लोग देश लेवल पर काम करते हैं, कि समस्या तो देश लेवल पर हर हाथ में काम के साथ में उसके जीवन की जो हेल्थ सुरक्षा है जिसको हम लोग सामाजिक सुरक्षा कहते हैं। क्योंकि बात यह है, मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहता हूं कि हम आज भारत देश के अंदर में कभी बहुत उच्च स्थान में थे, आज हम लोगों को ऐसे लगता है कि सरकार से हमने आरक्षण मांगना, आरक्षण मांगने का तात्पर्य यह है कि हम अपने आप को निकृष्ट समझने लग गए। पर बात यह है कि निकृष्ट और उत्कृष्ट की बात नहीं है, परंतु जीवन जीने के लिए
जो हमारी ऊंचाई थी वो आज कहीं और डाइवर्ट हो गई। कुछ बड़े बड़े उद्योगपतियों ने अपने हाथ में लेने के कारण आज हमारे हाथ से काम छूटते चले गए। तो बात यह है कि हमारे हाथ में वो सारी चीजें आनी चाहिए, हमको स्वयंसूविता मिलनी चाहिए, सामाजिक न्याय हम लोगों को मिलना चाहिए। इस दृष्टिकोण से हम लोग इस काम के लिए लगे हुए लोग हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ भिवंडी में इतने 2 लाख जो ऐसे आंकड़ा आप लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ इतने लोग रहते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि पूरे देश के अंदर में हम लोगों ने एक जन जागृति करते हुए हमारे समाज की वास्तविक नींव को हम लोगों ने जो पुरातन नींव है उसको उजागर करने का आज समय आ चुका है। हम लोग ये कहते हैं कि भगवत्ता के रूप में हनुमान जी चिरंजीवी है, तो हम कहते हैं कि हम जिस बीज से यहाँ पर आए हुए लोग हैं, जो हमारा बीज है, जिस वृक्ष से हम लोग आए हुए हैं, वो भी तो चिरंजीवी है, उसका भी क्यों नहीं भारत सरकार के गुणगान करना चाहिए, उसके भी क्यों हम लोगों को मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। तो ये सारी चीजें सोचते हुए मुझे ऐसे लगा कि अपन ने भी लोगों के बीच में जाकर ये सब काम करना चाहिए, क्योंकि मैं भारत देश में कामगारों के लिए काम करता हूँ। भारत देश के 11 भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संगठन जो है उसमें ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर TUCC जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारधारा को लेकर काम करने वाला संगठन है। पूरे भारत देश के अंदर में हर स्टेट में हम लोगों के विंग है, तो ये चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में भी हमारा विंग बहुत बड़े लेवल पर काम करे, लोगों को सुविधाएं मिले। आपने जैसे मुझे कहा कि अभी भिवंडी में सबसे ज्यादा कामगार वर्ग है, तो मैं आज कल मैं डायरेक्टर महोदय कमिश्नर महोदय के साथ में जब चर्चा में बैठूंगा, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज है कि थाना में अगर बड़ा हॉस्पिटल बनता है उस बात को रखूंगा, तो यहाँ पर डिस्पेंसरीज होना बहुत जरूरी है। एक नहीं तो हर क्षेत्र में 4-5 डिस्पेंसरी होनी चाहिए, लोगों को तो सुविधा मिलनी चाहिए। सबसे ज्यादा आज कोई कीमती चीज है तो हमारा स्वास्थ्य है, और सबसे ज्यादा लुभाड़ने वाले लोग हैं तो इसी पेशे में हैं, इसीलिए हमारे स्वास्थ्य को देखते हुए शासन ने हमारे जो रखने वाली बात है उसको पूरा करने की बात आपके माध्यम से आपकी वाणी से वहां तक के पहुंचाने का काम मैं करूंगा।